महाभारत में कर्ण को अर्जुन ने नहीं परशुराम ने मारा था। पांडवों के भाई होने के बाद भी कर्ण ने महाभारत में दुर्योधन का साथ दिया था और उनकी ओर से लड़े थे। महाभारत की कथा के मुताबिक कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस गया था और जब वह नीचे उतरे तो अर्जुन का बाण उन्हें लगा था। क्या आप जानते हैं कि असल में कर्ण की मौत की वजह अर्जुन का लगा बाण नहीं बल्कि परशुराम थे। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या सीखना चाहते थे लेकिन सुतपुत्र होने की वजह से कोई गुरु उन्हें शिक्षा देने के लिए राजी नहीं था। ऐसे में कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है और उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली थी। परशुराम को जब सच पता चला तो वह क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया था। परशुराम ने श्राप दिया था कि जब कर्ण को विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उनके काम नहीं आएगी। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु अर्जुन के बाण लगने से जरूर हुई थी लेकिन इसके पीछे परशुराम का दिया श्राप भी था। परिस्थितियों की वजह से कर्ण भले ही कौरवों की ओर से लड़े थे लेकिन उन्होंने आजीवन क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया था। श्री कृष्ण ने इस कारण किया था 100 अपराध के बाद शिशुपाल का वध। महाभारत का जिक्र भगवान श्री कृष्ण के बिना पूरा नहीं हो सकता है जिन्होंने धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रिश्तेदारों का भी वध किया था। श्री कृष्ण के हाथों मौत पाकर मोक्ष पाने वाले उनके रिश्तेदारों में शिशुपाल का भी नाम शामिल है जिसे बेहद दुर्दांत योद्धा माना जाता था। शिशुपाल के जन्म के समय ही एक ऐसी घटना हुई थी जिससे सभी को पता चल गया था कि उसकी मौत एक दिन श्री कृष्ण के ही हाथों होगी। इसका संबंध श्री कृष्ण की तरफ से शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमादान देने के वादे से भी जुड़ा हुआ है। आइए हम आपको वह घटना बताते हैं। शिशुपाल भगवान विष्णु के उन दो द्वारपालों जय विजय में से एक था जिन्हें ऋषियों के श्राप के कारण धरती पर आकर राक्षस बनना पड़ा था। जय विजय इस कारण पहले जन्म में हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में कंस व शिशुपाल बने थे। जय विजय इस कारण तीन जन्म से ही भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण से दुश्मनी मानते थे। इसी कारण शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करता रहता था। शिशुपाल ने कृष्ण की बुआ के बेटे के तौर पर जन्म लिया था। तब उसकी तीन आंखें और चार भुजाएं थीं और वह गधे की तरह रो रहा था। शिशुपाल के पैदा होने पर आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में उसकी एक आंख और दो भुजाएं गिर जाएंगी वही उसकी मौत का कारण बनेगा। शिशुपाल की भुजाएं आंख श्री कृष्ण की गोद में गिर गई थीं, जिस पर बुआ के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। शिशुपाल मित्र रुक्म की बहन रुक्मिणी को चाहता था जो श्री कृष्ण को प्यार करती थी। श्री कृष्ण उसका हरण कर लाए थे। इससे शिशुपाल उनसे नाराज रहता था। शिशुपाल के हर बार अपमान करने पर श्री कृष्ण क्षमा कर देते थे। 100 अपराध पूरे होने पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। महाभारत के इन 9 योद्धाओं के पास थी ये विचित्र शक्तियाँ। महाभारत में 9 योद्धा ऐसा थे जिनके पास अद्भुत शक्तियाँ थी। कुछ को ये शक्तियाँ वरदान स्वरूप तो कुछ को जन्मजात मिली। तो चलिए जाने कि महाभारत से ये 9 योद्धा कौन थे और किसके पास क्या शक्तियाँ थी। कर्ण का जन्म ही कवच कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण के पिता सूर्य थे और उनके शरीर पर ये कवच कुंडल चिपका हुआ था। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के पास वो शक्ति थी कि वह तीन बाण से ही वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी जिससे वह कहीं पर भी बैठकर कुछ भी देख और सुन सकते थे। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था जिसे किसी धनुष या हथियार मारा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जांग में वो शक्ति नहीं थी। जरासंध का शरीर दो फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। अश्वत्थामा के पास वो शक्तियाँ थी कि वो दिन ढलने के बाद भी अस्त्र शस्त्र चला सकता है जबकि महाभारत में सभी शस्त्र सौर्य ऊर्जा से ही चलते थे। यही कारण था कि सूर्य के अस्त होते ही हथियारों की शक्तियाँ क्षीण हो जाती थीं।